हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आवर सी क्राफ्ट्स एंड फन। सो आज मैं आप लोग के लिए दो बहुत ही इजी पेंटिंग्स लेके आई हूँ। आप उसे कैनवस में भी बना सकते हैं, पेपर में भी। सो ये पेंटिंग्स बिगनर्स भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सी पेंटिंग्स बनाने जा रहे हैं। सो आज हम बनाएंगे ये दो ब्यूटिफुल पेंटिंग्स। इसका नाम है रेनबो ट्री पेंटिंग और इसका नाम है ब्लॉसम्स पेंटिंग। लग रही है ना सुंदर? ये आपके घर के किसी भी वॉल में या फिर किसी भी वॉल पेपर में खूब जचती है। सो फर्स्ट हम बनाएंगे ये रेनबो ट्री वाली। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। सो गाइस, पेंटिंग्स बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए वो है पेंट्स। मैं आज यूज़ कर रही हूँ वाटर कलर्स एंड एक्रेलिक कलर्स का। आप किसी भी एक कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। पेपर के साथ मैंने कॉर्नर्स को थोड़ा ग्रेस आए पेंटिंग में, कॉर्नर्स में मैंने टेप लगा दिए हैं। अगर आपके पास आर्ट वाले पेपर टेप्स हों तो इट्स वेरी गुड, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, मेरी तरह ये सेलो टेप लगा सकते हैं। एंड आपके पास सीजर भी होनी चाहिए फॉर कटिंग। अब मेरे पास है यहाँ मिक्सचर जिसमें हम पेंट को मिक्स कर सकते हैं। कुछ ब्रशेस चाहिए होंगे आपको, वाटर कंटेनर एंड वाटर एंड ये रफ क्लॉथ। सो आइए देखते हैं रेनबो पेंटिंग को कैसे बनाया जाता है। सो रेनबो पेंटिंग के लिए मुझे बैकग्राउंड बनाने के लिए चाहिए ब्लैक एंड वाइट। तो मैं यहाँ एक बड़ा ब्रश को वाटर में डिप कर लूँगी इसको जैसे ऐसे करके। अब हमें दो पेंट्स का मिक्सचर बनाना है ताकि थोड़ा ग्रेश लुक आए। सो मैं थोड़ा सा इसमें से निकाल लूँगी पहले ब्लैक, इसको थोड़ा सा वाइप करके अब मैं निकाल लूँगी इसमें वाइट। वाइट को मैं सिर्फ एक ही साइड वाले मिक्स करूँगी क्योंकि हमें थोड़ा ब्लैक भी चाहिए। सो यहाँ मैंने मिक्स कर लिया है वाइट, थोड़ा सा और कर लूँगी। ये एकदम प्रॉपर लाइट वाला है और थोड़ा सा डार्क वाला बनाने के लिए मैं बहुत थोड़ा सा वाइट लेके एक जो साइड दूसरा साइड वाला है उस पर मिक्स कर लूँगी। सो अब हम इस थोड़ा सा ब्लैक लेके इस पर मिक्स कर लेंगे ताकि थोड़ा डार्क वाला शेड आए बस। एंड अब हम अपना पेंटिंग बैकग्राउंड को पेंट करना शुरू करते हैं। सो आप सबसे पहले डार्क वाला ले लें थोड़ा, और उसके बाद अब आपको लाइंस बनानी है। लाइंस कैसे? मींस लाइक दिस, आपको दूर दूर पे ऐसे लाइंस बनानी है अच्छे तरीके से पानी लेके, क्योंकि वाटर से ही आपका पूरा स्प्रेड होगा। सो वाटर जितना अच्छा यूज़ करेंगे उतना सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा गीला नहीं कर देना है। थोड़ा सा पेंट लें, डिप इन द वाटर। एंड गाइस, ये आपका टेप में लगे कोई बात नहीं, वो टेप में लगेगा तो वो टेप को हमें निकालना ही है। सो ये देखिए फ्रेंड्स, हम आपको ऐसे बना लेने हैं। अब हमें क्या करना है, पानी में डिप कर लो अपने इसको, थोड़ा सा रफ क्लॉथ में टैप कर लो एंड भी ये लाइट वाला मिक्सचर लो पेंट का। एंड अब इसी के साथ ऐसे ऐसे स्प्रेड करके, इसी के साथ मिक्स करके आप इसको स्प्रेड करो। और अब हम थोड़ा सा अलग से वाइट कलर लेंगे। सो वाइट कलर हम यहाँ ले लेते हैं, थोड़ा सा इसमें मिक्स होगा कोई बात नहीं। एंड अब हम पानी में डिप करके इसको वाइट कलर में डिप करेंगे। एंड अब इसको ऐसे ऐसे वाइट कलर से भी करेंगे। वाइट कलर से वो ग्रेस आता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो इट्स ऑसम, कुछ नहीं होगा आपको। एंड ये ऐसे हमें पूरा पेंट करते रहना है लाइक दिस। ये देखिए, ये थोड़ा सा ऐसी लाइंस आती है ना, तो ये बहुत सुंदर लगता है। सो मैं इसको पूरा पेंट कर लेती हूँ, पानी में डिप कर लें, पेंट लेके पेंट कर लें, थोड़ा सा वाइट कलर लें, जस्ट डू इट। सो ये मैं एक्रेलिक कलर से कर रही हूँ, आप वाटर कलर से भी कर सकते हैं। लाइक दिस। सो फ्रेंड्स, आपको इस तरह से करना है, देख रहे हैं ना, एकदम स्मूथ हैंड चला के, फ्लैट ब्रश, राउंड ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना है। वाटर जितना लगाएंगे उतना ही वो स्प्रेड होगा, उतना ही मिक्स होगा। जो हमने लाइंस बनाई थी ये डार्क की, उतना ही हमारा कलर उस लाइंस वाले में मिक्स होगा डार्क। यहाँ मैं पेंट ले लूँगी, वाटर में डिप कर लूँगी एंड या इस पर ऐसे ऐसे मिक्स करके थोड़ा सा या आई टेक द पेंट। वाटर में डिप करना ज़रूरी है। तो ये देखिए, वाटर में डिप करके अपने आप ही ये स्प्रेड हो जा रहा है।
थोड़ा सा वाइट कलर लेंगे वो भी मिक्स्ड वाला एंड ऐसे ऐसे चला देंगे ताकि वो थोड़ी हाईलाइटिंग लुक आए। उसको इसमें टैप करके अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो ये देखो ये हाईलाइटिंग लुक बहुत अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ऑलमोस्ट ये पूरा बैकग्राउंड हो चुका है। अब बस थोड़ा सा यहाँ भी हाईलाइटिंग लुक देना है तो थोड़ा सा हम वाइट लेंगे। इसको पहले वाटर में डिप कर लें एंड वाइट लें थोड़ा सा और इसको ऐसे ऐसे लाइंस बना दें और अब इसे ऐसे स्प्रेड कर दें। ये इससे बहुत अच्छा हाईलाइटिंग लुक आता है। सो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है कि पूरा वाइट हो जाएगा। इससे बहुत हाईलाइटिंग लुक आता है। अगर आपको पूरा वाइट हो गया थोड़ा ज़्यादा तो थोड़ा ब्लैक को मिक्स कर दें उसमें वाटर लेके एंड ऐसे चला दें। सो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको थोड़ा डार्क लग रहा है बॉर्डर तो आप इसमें वाइट भी मिक्स कर सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। थोड़ा सा वाइट मिक्स कर दें, वाइट एंड ब्लैक ग्रेश लुक आ जाएगा एंड फिर ऐसे ऐसे कर दें एंड अब इसे मिक्स कर लें। तो ये देखिए गाइस हमारा बॉर्डर एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे ड्राई होने देंगे फिर हम आगे का प्रोसेस करते हैं। सो फ्रेंड्स ये हमारा अब देखिए बैकग्राउंड एकदम रेडी हो चुका है। टेप में लगाए कोई बात नहीं या बॉर्डर्स में लगाए कोई बात नहीं, हमें टेप निकालना ही है। सो भी हो चुका है, अब हम इसे सूखने देंगे फिर हम बनाएंगे रेनबो। सो फ्रेंड्स यहाँ हमारा देखिए बॉर्डर हो चुका है कंप्लीट, बहुत अच्छा लुक आ रहा है जिन्होंने हाईलाइट किया था वाइट से। अब हम ट्री बनाएंगे उसके बाद हम रेनबो पेटल्स बनाएंगे। ट्री बनाने के लिए हमने वाइट एक्रेलिक पेंट ले लिया है, एक स्मॉल राउंड ब्रश और इसे वाटर में डिप कर लिया है एंड अब मैं लूँगी ब्लैक पेंट यस एंड अब हम ट्री बनाएंगे। सो गाइस अगर आपको ये बबल्स दिख रहे हैं तो ये कुछ नहीं होता, ये जो बबल्स हैं ये बबल्स अब जब आप निकालेंगे पूरी पेंटिंग ड्राई हो जाएगी तो एकदम ठीक हो जाएंगे। सो देखिए हम बनाएंगे यहाँ अपना ट्री लाइक दिस। हम इसमें 5 कलर्स यूज करेंगे रेनबो के, सो इसलिए हम 5 स्टेम्स बनाएंगे। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड फाइनली दिस इज 5 एंड फिर हम कर्व करके ऐसे नीचे को ले आएंगे ट्री ट्रंक की तरह। अब हम इसके अंदर पेंट करेंगे। सो इसी ब्रश से आप अंदर पेंट कर लीजिए लाइक दिस जैसे मैं कर रही हूँ, पेंट लेके बहुत ध्यान से एकदम केयरफुली आप इसकी स्टेम्स फर्स्ट पेंट कर लीजिए एंड अभी हम कर लेंगे पेंट। सो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ऑलमोस्ट फ्री हो चुका है एकदम परफेक्शन के साथ। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया तो हम ऐसे कर लेंगे, सही कर लेंगे और एकदम परफेक्टली हमारा ट्री हो गया है कंप्लीट। अच्छी तरीके से पेंच कर ली स्टेम्स में भी। अब गाइस ये हो गया हमारा कंप्लीट, अब हम इसे ड्राई होने देंगे फिर हम इसके रेनबो पेटल्स बनाएंगे। सो फ्रेंड्स जब तक ये सूख रहा है तब तक मैं आपको रेनबो पेटल्स के कलर्स बता देती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो एक्रेलिक कलर्स थे मैंने अभी तक इतना एक्रेलिक कलर से किया है, बट जो मेरे पास एक्रेलिक कलर्स हैं वो मेरे ये बॉटल्स वाले हैं। बट मुझे रेनबो पेटल्स के लिए डॉट्स लगाने हैं तो मुझे इसके लिए ट्यूब चाहिए। सो मैं यहाँ ये वाटर कलर्स ट्यूब्स वाले कर रही हूँ एंड मेरे पास ग्रीन नहीं था, ख़त्म हो गया था तो मैं ग्रीन ये वाला कर रही हूँ सो यूज़। सो इसके लिए हमें चाहिए ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड एंड येलो। फ्रेंड्स अगर आपके पास एक्रेलिक कलर्स में ट्यूब हैं तो इट्स गुड, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वाटर कलर्स में ही ट्यूब तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा हो चुका है एकदम ड्राई बिल्कुल ये। अब हम पेटल्स लगाएंगे। सो फर्स्ट हम लेंगे रेड कलर। अब जो हमारी ये फर्स्ट पेटल है ध्यान से देख लीजिए हमें डॉट्स कैसे लगाने हैं। तो ट्यूब्स में हम थोड़ा सा कलर लेंगे एंड डॉट्स हम जहाँ जहाँ मैं लगा रही हूँ वहाँ वहाँ लगाते जाइए ऐसे करके। सो हम ऐसे निकाल लेंगे एंड हम इसे डॉट्स बनाते जाएंगे। डॉट्स हमें इसमें बनाना ज़रूरी है तभी मैंने यहाँ ट्यूब कलर्स लिए, क्योंकि ट्यूब कलर से
बहुत आसानी से डॉट्स आपके बन जाएंगे, सो थोड़े थोड़े डॉट्स। और थोड़ा हम यहाँ ऑरेंज करेंगे नेक्स्ट कलर, तो थोड़ा सा मैं ऑरेंज वाले पार्ट में भी लगाऊंगी ताकि वो मिक्सिंग हो। अब हम ऑरेंज लगाएंगे, सो यहाँ ऑरेंज है, ऑरेंज में थोड़ा सा रेड वाले पार्ट में लगाऊंगी क्योंकि वो मिक्सिंग अच्छी लगती है ना, उसकी मिक्सिंग होती है तो ऑरेंज एंड रेड का तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आता है। सो यहाँ भी थोड़ा, अब हम ऑरेंज का ऑरेंज वाले पार्ट में ही लगाएंगे लाइक दिस। एंड थोड़ा सा येलो वाले पार्ट में भी हम इसको घुसा देंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम येलो की बारी आ गई। येलो को हम थोड़ा ऑरेंज में लगा देंगे, थोड़ा ऑरेंज वाले पार्ट में लाइक दिस, और थोड़ा सा यहाँ भी लाइक दिस। एंड अब येलो वाले पार्ट में लगाएंगे पूरा, टॉप में भी लगाना है हमें लाइक दिस, टॉप में टू डॉट्स। एंड अब थोड़ा सा यहाँ ग्रीन करेंगे नेक्स्ट, तो ग्रीन वाले पार्ट में भी हमें लगाना है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा आप स्टेम्स में भी लगाएं क्योंकि हमें वहाँ भी पेटल्स करनी है। अब आती है ग्रीन की बारी, तो ग्रीन मेरे पास यहाँ डब्बे वाला ही है, सो बॉटल वाला, सो मैं ब्रश से ही लगाऊंगी डॉट्स इसकी। सो थोड़ी डॉट्स हम यहाँ लगा देंगे इसके लाइक दिस, मैं ऐसे लगा दूँगी इसकी डॉट्स। सो फ्रेंड्स ये देखिए, मैं थोड़ा सा ब्लू वाले पार्ट में भी लगा दूँगी यहाँ एक ब्लू के स्टेम में। अब ये लग गया हमारा ग्रीन, एकदम ग्रीन मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं ब्लू लगाऊंगी, ब्लू पेंट, तो ब्लू ट्यूब कलर है मेरे पास। एंड थोड़ा सा पहले मैं इसे ऑलरेडी निकाल लूँगी या एंड अब मैं इसे थोड़ा सा ग्रीन वाले में लगा दूँगी एंड अब अपना ब्लू वाले में। सो ये डॉट्स से ना आसानी हो जाती है मिक्सिंग की, इसलिए हम डॉट्स लगाते हैं। सो थोड़ा सा इस साइड को ताकि थोड़ा बड़ा ट्री लगे। एंड ये देखिए हमारा हो गया है। एंड अब हम इसको मिक्स करेंगे। सो मिक्सिंग के लिए यहाँ मैंने एक ये बड़ा वाला ब्रश लिया है जिससे मैंने बैकग्राउंड पेंट किया था, उसे मैंने वॉश कर लिया। एंड हम ड्राई ब्रश होना चाहिए, ज़रा सा भी गीला नहीं होना चाहिए। अब इसके स्टेप्स से हम पूरी मिक्सिंग करेंगे। अब देखिए कैसे करनी है लाइक दिस, आपको बस टैप करते जाना है एंड वो अपने आप मिक्स होते जाएगा। ये देखिए ऑरेंज थोड़ा सा, वो थोड़ा सा रेड, थोड़ा सा ऑरेंज, वो बहुत अच्छा लगता है कॉम्बिनेशन। अब थोड़ा सा येलो आ जाएगा, लोग पहले रेड कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा सा कर्व शेप भी देनी है ताकि लगे कि हमारा ट्री है ना। अब ऑरेंज में उतना ऑरेंज लगेगा नहीं, बट ये ऑरेंज का बहुत अच्छा ग्रेडियंट शेड आता है। तो अब थोड़ा सा यहाँ रेड लग चुका है, इसे वाइप कर लें रफ क्लॉथ में ताकि वो येलो में बहुत ज़्यादा मिक्स ना हो। सो ये हमने कर लिया है, इसको बहुत अच्छी तरीके से वाइप। अब से थोड़ा ऐसे फ्री दे देंगे हैंड से फ्री, अब येलो को करेंगे। सो ये देखिए येलो को इसमें थोड़ा मिक्स करके फिर यहाँ प्रॉपर येलो का, येलो में थोड़ा ऑरेंज मिक्स होगा तो वो बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ हमने ग्रीन भी लगाया था तो ग्रीन भी आएगा एंड ब्लू भी आएगा, सो इट्स गुड। थोड़ा सा वाइप कर लें अपने ब्रश को और फिर दोबारा से शुरू हो जाएं। सो ये बहुत अच्छा शेड लाता है, ग्रीन येलो ब्लू। ये देखिए हमें ऐसे करना है, बस टैप करना है और कुछ नहीं, अपने आप हमारा ट्री बन के रेडी हो जाएगा, रेनबो ट्री। सो ये मुझे तो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन ही ग्रीन एंड येलो एंड ब्लू का लगता है। आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसका कॉम्बिनेशन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। सो यहाँ मैंने ब्लू को थोड़ा डाउन कर लिया है नीचे को टैप करके। सो देखिए गाइस, ये हमारा हो गया है कम्प्लीट, बट ये ब्लू वाला हमारा थोड़ा नीचे को लग रहा है एंड ये रेड वाला थोड़ा ऊपर को। सो हम एक बार इसको वाइप कर लेंगे अच्छे तरीके से एंड, या फिर आप दूसरा ब्रश भी ले सकते हैं, मैं दूसरा ब्रश ले लेती हूँ, कोई बात नहीं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया ट्री पूरा। अब हम थोड़ा नीचे ब्लॉसम्स गिराएंगे और रेनबो वाले, ताकि ऐसा लगे कि ब्लॉसम्स गिर गए हैं थोड़े। सो हम फर्स्ट जैसे हम वैसे सीक्वेंस वाइज करेंगे, पहले हम लेंगे टू पॉइंट्स ऑफ रेड, देन ऑरेंज, टू पॉइंट्स ऑफ ऑरेंज। हम इसी को ब्रश से ले लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है लाइक दिस। अब हम लेंगे येलो, सो येलो को मैं पहले निकाल लूँगी अच्छे तरीके से। यस,
यहाँ येलो, थोड़े ट्रंक के बीच में भी दिखाएंगे क्योंकि ब्लॉसम्स तो कहीं भी कर सकते हैं पत्तियाँ। अब ग्रीन, ग्रीन में हमें पास बॉटल वाला है तो मैं ब्रश से निकालूंगी। टू टू डॉट्स हमें सबकी लगानी है। अब ब्लू, तो लास्ट में हमारा आता है ब्लू, ब्लू का। सो ये देखिए ब्लू हमारा निकल गया, अब ब्लू को हम अच्छे से लगा देंगे। एंड अब ये ब्रश लेके अच्छे से हमें इसको कर लेना है टैप। थोड़ा ऊपर ऊपर भी दिखाना है ताकि खूब सारी ब्लॉसम्स गिर गए ऐसा लगेगा। सो लाइक दिस थोड़ा सा ब्लू का आएगा शेड। और फ्रेंड्स थोड़ा ग्रीन का शेड नहीं आ रहा है, येलो का आ रहा है, तो हम ग्रीन टू डॉट्स लगा देंगे थोड़ी सी यहाँ, वन डॉट यहाँ। और जब इसे कर देंगे हम पिंच लाइक दिस। यस, अब देखिए कितना अच्छा है ना ग्रीन का। बस अब ये हो गया है, अब हम इसके टेप्स निकाल लेते हैं जो हमने टेप्स बॉर्डर कर रखे थे। सो यहाँ मैं निकाल लूँगी इसे लाइक दिस। सो फ्रेंड्स यहाँ हमने देखिए हम निकाल लेंगे और ऐसे ही हम अपने सारे निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स ये देखिए हम ऐसे ही करके ये मैंने सारे अपने टेप निकाल लिए हैं। यस, एंड हम इसको हम कर देंगे हम एक साइड में थ्रो। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी कितनी सुंदर लग रही है रेनबो पेंटिंग। ये बॉर्डर्स जो हमारे वाइट वाइट वाले दिख रहे हैं ना उससे थोड़ा 3D लुक आ रहा है एंड ये बहुत ग्रेसफुल लग रही है, खास करके ये एंड ये मतलब एकदम सेम कलर लग रहा है। सो लग रही है ना सुंदर, आप भी इस रेनबो पेंटिंग को ज़रूर ट्राई करेगा। आइए अब हम अपनी सेकंड वाली पेंटिंग बनाते हैं। सो फ्रेंड्स सेकंड पेंटिंग के लिए यहाँ मैंने अपने पेपर्स में टेप्स लगा ली हैं एंड इसके लिए हमें सिर्फ 3 कलर्स चाहिए, ब्लैक, वाइट एंड रेड। सो फ्रेंड्स इसका बॉर्डर हमें सेम बनाना है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो आइए बनाते हैं। का बैकग्राउंड था वो एकदम ही सेम था, कुछ भी डिफरेंस नहीं था, तो मैंने अब वो बना लिया है। सेम प्रोसेस था, सेम हाइलाइटिंग दी, एकदम सेम भी देखिए बिल्कुल सेम हो रहा है एंड अब ये ड्राई भी हो चुका है। सो अब हम इसके स्टेम्स बनाएंगे। सो आई विल शो यू कि हम स्टेम्स कैसे बनाएंगे एंड फर्स्ट पेंटिंग दिखाती हूँ कि हम स्टेम्स कैसे बनाएंगे। सो गाइस एज इफ दिस इज आवर पेंटिंग, सो हम स्टेम्स ऐसे बनाएंगे। ये आपको अभी राइट साइड लग रहा होगा बट हम जब अपने फ्रंट में ऐसे रखते हैं तो हम लेफ्ट साइड से बनाएंगे। एंड ये जो आपको पिंक कलर इसमें ब्लॉसम्स में लग रहा है ये बिल्कुल भी पिंक कलर नहीं है, रेड एंड वाइट का मिक्सचर है। मिक्स नहीं करना है, डायरेक्ट रेड कलर लगा देना है, वो अपने आप ही पिंक बन जाएगा। सो आइए देखते हैं कि हम स्टेम्स को कैसे बनाते हैं। सो गाइस स्टेम्स बनाना बहुत ईजी है, आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। स्टेम्स बनाने के लिए एक जगह आप मार्क कर लें जहाँ से आपको बनाना है, फिर ब्लैक कलर राउंड वाले पतले राउंड ब्रश में लें एंड फिर एक कर्व बना के ऊपर ले जाएं एंड फिर ऐसे एकदम कॉर्नर पे, तो ये थोड़ा चौड़ा सी वाला होता है। फिर आप ब्लैक ले लें एंड फिर इस पर एक बार टिक कर लें क्लियरेंस से एंड अब यहाँ से हम क्लियरेंस देंगे, थोड़ा वाटर अप्लाई करें एंड अब हम यहाँ बनाएंगे अपनी स्टेम्स लाइक दिस। सो गाइस ये देखिए अब हम स्मॉल स्टेम्स बनाएंगे ऐसे करके, थोड़ा कर्व ताकि वो स्टेम्स एकदम रियल वाली लगें। अब हम एक यहाँ
करके जाएंगे कॉर्नर में, परफेक्शन दे दें इसे। और अभी कैसे लिख ऐसे, ये देखिए हमारी एक साइड की हाफ स्टेम पूरी हो चुकी है। अब यहीं आपको छोटी छोटी स्टेम्स बनानी है कर्विंग इसमें, ताकि एकदम रियल लगे, एकदम कर्व देके आपको स्टेम्स बनानी है। यहाँ मैं एक और स्टेम ले आती हूँ उसके बीच से, फिर इसको हम क्लियरेंस दे देंगे थोड़ी वाली स्टेम को, इसको मैं नीचे से लेके थोड़ी ऐसे करके फिर इसमें वन स्टेम और बना दूँगी। एंड नीचे तो देने की ज़रूरत नहीं है, अब हम यहाँ से करेंगे। सो यहाँ से हम इसको ऐसे करके अब हम एक और स्टेम इसके यहाँ से लगाएंगे, बीच से बिटवीन से हम इसके थोड़ा सा वाटर अप्लाई करें, टेक द पेंट, थोड़ी सी इसको क्लियरेंस दे दें, थोड़ा इसको मोटा करनी है स्टेम को हमें। सो लाइक दिस इसको अच्छे तरीके से डार्क कर लेंगे, एंड अब वाटर अप्लाई कर लें, पेंट ले लें, एंड अब सेम हमें यही प्रोसेस करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी सारी स्टेम्स बन गई है, बस हम जो बीच वाली स्टेम है उसे हम थोड़ा डार्क कर रहे हैं ब्लैक पेंट लेके, बिकॉज वो डार्क डार्क एंड बोल्ड लगेगी तो वो और अच्छी लगेगी। थोड़ा से परफेक्शन दे दें इसे, ध्यान रखें आपकी स्टेम्स बीच वाली जो है आपकी मेन स्टेम जो होती है ट्रंक जिसे हम बोलते हैं वो एकदम डार्क होनी चाहिए, क्योंकि वो बोल्ड होनी चाहिए एंड डार्क बिकॉज वो मेन स्टेम है। सर देखिए हमने इसे अच्छी तरीके से डार्क कर लिया है, अब हम इसे थोड़ा सा ड्राई होने देंगे, फिर हम इसके ब्लॉसम्स बनाएंगे। सो गाइस ये अब सूख चुका है, देखिए एकदम ड्राई हो चुका है, हम इसके ब्लॉसम्स बनाएंगे। ब्लॉसम्स बनाने को कुछ नहीं करना है, वाइट कलर लेना है एंड रेड पेंट लेना है, ब्रश लेना है राउंड ब्रश पतला वाला, एंड उसमें मैंने वाटर अप्लाई कर लिया है, एंड अब मैं इसको वाइट कलर में लगाऊंगी। वाइट कलर में इसे रोल कर लें अच्छी तरीके से, अब बस कुछ नहीं करना है, बस अपने ब्रश को टैप करना है। अब देख लीजिए कैसे, जैसे यहाँ बनानी है मुझे तो यहाँ मैं टैप कर दूँगी ऐसे, बस कुछ नहीं करना है, वाइट कलर ले लें और जहाँ जहाँ ब्लॉसम्स बनानी है वहाँ वहाँ ऐसे टैप कर दें। ये बहुत इजी पेंटिंग है, अगर आप बिगनर्स हैं आपने ज़्यादा पेंटिंग सही बनाई है तो आप ये पेंटिंग को तो ज़रूर ट्राई करना, ये मेरी एडवाइस है। ये मतलब इतनी ईजी है कि बिगनर्स भी इसे बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बस टैप करते जाना है, दैट्स इट। अब यहाँ मैं ऐसे ब्लॉसम्स बना दूंगी फटाफट, अब यहाँ लाइक दिस पेंट ले लूँगी थोड़ा वाइट पेंट, एंड लाइक दिस अब यहाँ मैं यहाँ थ्री वाली पेयर बनाऊंगी, तो थ्री पेयर बनाने के लिए लाइक दिस बस थ्री बार टैप कर देना है, ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। सो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं ये ब्लॉसम्स, लास्ट है ये डन। अब रेड कलर का हमें क्या करना है ना, इसी ब्रश को बस थोड़ा सा वाइप कर लें अपने रफ क्लॉथ में, और थोड़ा सा वाटर लेके अब इस रेड पेंट को लें, एकदम टिप पे लेना है हल्का सा। अब इन सारे जितने भी हैं थोड़े थोड़े में ही करना है, ऐसे ऐसे हल्का सा हाईलाइट कर दें, जो थ्री पेयर्स वाले हैं इसमें तो आप पूरा करिएगा, और जब वो रेड में मिक्स होगा ना तो अपने आप ही वो बहुत अच्छा सा पिंक कलर बन जाएगा। ये देखिए एक ही बार लेना है हमें, फटाफट ऐसे कर देना है, ये कुछ ही कुछ में करना है, सारे में नहीं करना, तभी वो बहुत ग्रेसफुल लगेगा। ये थोड़ी थोड़ी पेटल्स में हाईलाइटिंग आएगी एंड थोड़े में पूरा वाइट, सो ऐसे ही हम कुछ उसमें कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारे हो चुके हैं, अब हम पेटल्स को फॉल जैसे गिर रही हैं, ऑटम सीजन जैसे हो रहा है वैसे हम दिखाएंगे। तो ब्रश को हम अपने कर लेंगे वॉश, वाइप कर लेंगे रफ क्लॉथ में, अब दोबारा से हम ले लेंगे वाइट पेंट, ये मैंने ले लिया है वाइट पेंट, अपने ब्रश को इसमें रोल कर लिया है। जब हम यहाँ भी सेम तरीके से कुछ कुछ जगह ऐसे बनाएंगे लाइक दिस कि पेटल्स हमारी गिर रही हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है, अपने ब्रश को कर देना है टैप।
तो फ्रेंड्स ये देखो हम बस टैप कर देना है हमें फटाफट। एंड अब हम थोड़ी ब्लॉसम जैसे नीचे जमा हुए हैं वो भी दिखाएंगे हम थोड़े। सो उसके लिए अभी फ़िलहाल हम इसे पहले ग्रेडियंट लुक दे देते हैं, हाईलाइट कर देंगे थोड़ा सा बॉडी। फ्रेंड्स अब हम इसे देंगे हाईलाइटेड लुक, तो ऐसे फटाफट हमें हाईलाइटेड लुक दे दूँगी। इसमें भी कुछ कुछ को ही देना है, सबको नहीं देना, ज़रूरी नहीं है। ये देखिए हमने दे दिया है एक दो को। एंड अब हम नीचे से ब्लॉसम्स पड़े हैं तो उसके लिए हम अपने एक ब्रश को फ्लैट ब्रश में मैंने वाइट कलर ले लिया है। अब नीचे हमें बस टैप करते रहना है थोड़ा स्टेम में भी, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देना है, थोड़ा सा वाइट कलर और ले लेंगे हम और थोड़ा ऊपर नीचे ताकि लगे कि ब्लॉसम्स नीचे गिरे हैं। एंड अब इसको भी हम थोड़ा सा हाइलाइटेड लुक देंगे, तो इस पर रेड ले लें एंड थोड़ी थोड़ी जगह ऐसे ऐसे मैं कर लूँगी टैप। ये देखिए हो चुका है, अब हम इसके टेप्स निकाल लेंगे फटाफट। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम अपने टेप निकाल रहे हैं, ऐसे ही करके हम सारे टेप अपने धीरे धीरे निकाल लेंगे। वाओ कितना अच्छा लग रहा है, सो ब्यूटीफुल। तो ये वाला टेप भी हम अपना निकाल लेंगे एंड ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी एंड ग्रेसफुल ये हमारी सेकंड पेंटिंग बन चुकी है। अब हम अपनी फर्स्ट पेंटिंग को ले आएंगे। सो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी दोनों पेंटिंग एकदम रेडी है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल से कुछ ही कलर से बनती है। अगर आपको ये दोनों ग्रेसफुल पेंटिंग्स पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, नोटिफिकेशन बिल भी ज़रूर बजा दीजिएगा एंड मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये दोनों पेंटिंग्स कैसी लगी। ओके बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपको अपने नए वीडियो पर बहुत जल्दी।